what does for it. So, Jananda, are you a morning person? Yeah, actually, it actually depends. मैं रात को कितने बजे सोती हूँ उस हिसाब से मैं उठती हूँ. But I am not a late riser anyways. So, आज यहाँ इतना crowd आपका first visit है यहाँ मलाड मस्ती? नहीं, मेरा second, मेरा मैं first Sunday. First year. First year. So, आप were you expecting this kind of crowd in these? नहीं नहीं, I had no idea. So when I was here, I was like, oh my god, daddy, look at the crowd. And then, तभी भी कम लग रहा था. जब मैं एक्चुअली स्टेज पे गई तब मुझे दिख रहा था कि कितने ज़्यादा लोग हैं. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि लोग यू नो ऐसे सोशल इनिशिएटिव इससे जुड़ा हुआ है तो भी इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं. सो जो है इंटरनेशनल हुआ करते थे जर्मनी में, लंदन में, ये पहली बार जो है इस मुंबई शहर में पिछले 4 सालों से हमने लाया है. और करीबन जो है 50 से 70 हज़ार लोग सवेरे सवेरे, और ज़्यादातर उसमें 80% जो यूथ होते हैं जो सोते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं, वो आते हैं संडे को एंजॉय करते हैं. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे यहाँ पे जो है स्टॉल्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे जुम्बा है और योगा है, उसके बाद में पिलाटेज है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लाया हूँ. और ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आज देख सकते हैं कि एमएस भाई अपनी फिल्म का भी लॉन्च यहाँ से कर रहे हैं. इसके बाद जो आने वाले संडे में जो है धवन साहब वगैरह सब जो आ रहे हैं उनकी फिल्म आ रही वो होने वाला है. ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो हो चुका है. और ख़ास करके इस प्लेटफॉर्म में ये खासियत है कि यहाँ पर सर्वसामान्य आदमी, जो एक गरीब आदमी जो बड़े स्टेज पर जाके अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर मिलती है. मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हेमेश भाई से. बहुत बहुत मुबारकबाद कि भाई जो ये मैल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट में जो जो ये कॉज के लिए जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है. एंड इट्स नॉट अ जोक टू यू नो. आज सुबह सुबह लोगों को यहाँ लाना और जिस तरह से जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थ्री इयर्स टू असलम भाई. सर, इतना क्राउड क्या कभी आपको दूसरे जो फिल्म प्रमोशन में गए थे, इतना क्राउड, इतना लोगों का प्यार आपको कहीं मिला है? सर देखिए, मेरे जितना भी शोज होते हैं उतना क्राउड आता है क्योंकि वो म्यूज़िक सुनने आते हैं, लेकिन एक कॉज के लिए जब इतना क्राउड आता है तब तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी बात है. सर, सुबह सुबह का अगर शो हो तो क्या इतना क्राउड आएगा? परफॉर्म करने का कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत बहुत मज़ा आया. एंड मेरी फिल्म जो 31 जनवरी को आ रही है, ट्रेलर अभी तक नहीं आया, लेकिन उससे पहले म्यूज़िक के लिए तेरी मेरी कहानी है, आशिकी में तेरी है, टिकटॉक या ये सब गानों के लिए इस लेवल का रिस्पांस बहुत टाइम से हमने देखा नहीं है कि भाई रिलीज से पहले, ट्रेलर आने से पहले म्यूज़िक का ये लेवल का रिस्पांस आता है. और इसीलिए एक कॉन्फिडेंस आता है लोगों के सामने परफॉर्म करने का उन गानों को जब अभी तक ट्रेलर भी नहीं आया. तो ट्रेलर आ रहा है और फिल्म 31 जनवरी को आ रही है. इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी. और आज इस क्राउड के साथ मुझे ये लगा एक वन टू वन कनेक्शन था जो गानों के ज़रिए आया था कि